वेल हेलो माय डियर फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को मैंने अपना पहला वीलॉग दिखाया था बना के, होपफुली वो अच्छा ही बना था, जहां पर मैंने डेब्यू किया था वीलॉग सेक्शन में। और मेरा जो वीलॉग था वो अक्षय कुमार साहब के घर का था, जहां पर मैंने आपको सैर कराई थी, एक एक बात बताई थी, ट्रिविया शेयर करी थी, आपको बीच पर घुमाने लेकर गया था और सारी बातें। अब ये है मेरा दूसरा वीलॉग। इस वीलॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अजय देवगन साहब के घर की तरफ, कराऊंगा सारी सैर आपको, सारी ये बातें लेकर आएगा आपका ये फिल्मी आरा, तो बने रहो मेरे साथ। सो फैमिली मेंबर्स, मैंने अपना सेफ्टी डिवाइस पहन लिया है। आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि कभी भी आप अगर बाइक से ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले हेलमेट पहनिए, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो बटन है इसको लगाइए यहाँ पर। अभी मैं लगाऊंगा लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं लगा रहा। सो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अजय देवगन साहब जहाँ रहते हैं वो जगह का नाम है जुहू। बेसिकली अजय देवगन साहब के दो बंगले हैं, लेकिन मैं करंट वाले बंगले पर आपको लेकर जाऊंगा जहां पर अभी वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जुहू एक मुंबई का पॉश एरिया है जहां पर अक्षय कुमार साहब भी रहते हैं, वो आप पुराना व्लॉग देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा आगे, क्योंकि आगे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज मैं शेयर करने वाला हूँ। चलो बाय, मैं चलता हूँ। नो आइडिया मुंबई में इतना ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ गया दोस्तों। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। मैं जहाँ पर मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से लेकर अजय देवगन साहब का जो डिस्टेंस है दोस्तों 20 से 25 मिनट है, लेकिन इतना टाइम हो गया कि मैं अभी तक दोस्तों एक ही जगह पर अटका हुआ हूँ। आपको ट्रैफिक देखना है, चलिए दिखाता हूँ। वो देखिए, सो गाइज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर आप मुंबई आते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। दोस्तों फाइनली मैं जुहू पहुंच चुका हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं अभी हास्य कलाकार महमूद चौक के ठीक सामने। देखो अजय देवगन साहब के घर जाने का सबसे बेहतरीन जो है, आप जुहू पहुंचिए, जुहू में किसी से भी पूछिए कि महमूद चौक कहाँ है। महमूद चौक जैसे ही आप पहुंचेंगे दोस्तों, उसके ठीक ऑपोजिट साइड एक गली है जो कि सीधा हमारे देवगन साहब के घर लेकर जाएगी। महमूद साहब को तो आपको पता ही होगा, कॉमेडी के बहुत बड़े किंग थे। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं जैसा सॉन्ग उन्होंने दिया, और बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में की दोस्तों। सो फाइनली अजय देवगन साहब के घर मैं अब जाने वाला हूँ, आपको सैर कराने वाला हूँ। ठीक मेरे ऊपर देख रहे हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है शिव शक्ति का। फाइनली मैं शिव शक्ति के बाहर हूँ। अजय देवगन साहब का ये बंगला है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इंटरनेट पे इसके इंटीरियर की पिक्चर्स हैं दोस्तों जो कि शानदार है। अजय देवगन साहब एकमात्र सबसे पहले बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे दोस्तों, एक्टर हैं दोस्तों, जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है। अजय देवगन साहब का बंगला का ये मेन एंट्रेंस है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये पूरा वुडन गेट है दोस्तों, और ये ऊपर शिव शक्ति लिखा हुआ है जो कि उनके बंगले का नाम है। शिव शक्ति आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नज़रिया है बेसिकली। इससे जो है बंगले को, घर को नज़र नहीं लगती। ज़्यादातर ट्रेडिशनल इंडिया में इस तरीके के जो यंत्र थे, इस तरीके के जो नज़रिया होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नींबू मिर्ची भी है। कहीं ये नींबू मिर्ची वो तो नहीं है दोस्तों गोलमाल वाली? लोकेशन के मामले में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 39,000 के आसपास है दोस्तों, 39,000 स्क्वायर फीट, ओ माय गॉड। तो उसके हिसाब से अजय देवगन साहब का ये जो बंगला है ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है दोस्तों। फैमिली मेंबर्स, मैंने तो सोचा था आपको मैं घर का पूरा व्यू दिखाऊंगा, आपको एक एक चीज़ से वाकिफ करवाऊंगा, बट क्या कर सकते हैं, वहां पर पूरा ग्रीनरी की चादर है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, क्योंकि देवगन साहब ने अपने घर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है नेचर के थ्रू। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अजय देवगन साहब को नेचर से बड़ा प्यार है। करजत में इनका एक फार्म हाउस है,
जहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स उगती हैं, जहाँ पर मैंगोज़ बहुत अच्छे होते हैं, और उनके मैंगोज़ को काफ़ी बार अवार्ड्स भी मिल चुका है। लोकल जो ऑर्गेनाइजर्स जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं ना दोस्तों, तो उनके मैंगोज़ को बहुत ज़्यादा प्राइज़ भी मिलते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात इस बंगले से रिलेटेड दोस्तों आपको बता दूँ, 2005 में देवबन साहब ने ये जो बंगला है, ये जस्ट मेरे पीछे जो है, इसे परचेज़ किया था। वाह यार, और देवबन साहब की जितनी भी कारें हैं वो भी अंदर ही खड़ी रहती हैं या फिर इस रोड के बाहर रहती हैं। सो ये तो है दोस्तों शिव शक्ति, एक और बंगला है अजय देवगन साहब का, उसमें कभी आपको बाद में लेकर जाऊंगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से जुहू बीच भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। अजय देवगन साहब का जब भी मन करता है पहुँच जाते हैं वो भी बीच पर। अजय देवगन साहब शिव शक्ति में अपनी फैमिली के साथ और काजोल के साथ रहते हैं दोस्तों। अजय देवगन साहब की एक बात है कि इनके फिलेंथ्रॉपिक जो वर्क हैं वो मीडिया में ज़्यादा नहीं आते। आपको बता दूं, मैं जब यूरी अटैक हुआ था, जब हमारे जवानों पर अटैक किया गया था, उस अटैक में जो भी शहीद हुए थे उनकी मदद करी है अजय देवगन ने। अजय देवगन ने दोस्तों एक हैवी अमाउंट डोनेट किया था उन परिवारों को, जो कि इससे इन्फ्लुएंस हुए, इस अटैक से इन्फ्लुएंस हुए। साथ ही साथ गुजरात में एक बहुत बड़ा अर्थक्वैक आया था, उस अर्थक्वैक में भी अजय देवगन साहब ने मदद की थी। तो अजय देवगन साहब दिलदार भी हैं दोस्तों। सो ये अब एंडिंग, मैं क्लोजिंग नोट कर रहा हूँ दोस्तों अपने वीलॉग का। मेरा ये सेकंड वीलॉग है, पहला वीलॉग आप लोगों को पसंद आया। आप लोगों के उन्हीं कमेंट्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा था, और मैंने सोचा कि आपको दर्शन कराता हूँ अजय देवगन साहब के घर की। हालांकि मैं भी थोड़ा सा अपसेट और शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरीके से घर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पूरा बेल लगी हुई है घर के बाहर, जिसकी वजह से छुप गई थोड़ी चीज़ें। लेकिन कोई बात नहीं, आप जब भी मुंबई विज़िट करेंगे तब आपको आई गेस ये वीलॉग हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट्स के बारे में बताई बातें, तो डेफ़िनेटली आप लोग इन्जॉय करेंगे मुंबई में अपना विज़िट, और हमारे बॉलीवुड के सिंघम के घर को देखना आप भूलेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। ये मेरा सेकंड वीलॉग था, आगे आने वाले दिनों में और भी सुंदर और बेहतरीन वीलॉग्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।